ब्लैक में तो एक ब्रांडेड नाम है अपने आप में, और बहुत ज़रूरी है यहाँ पे सिटी लाइफ में। तो बहुत लोग प्रिम एंड प्रॉपर और हमेशा सुंदर दिखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। सो आई थिंक इट्स अ नाइस थिंग कि हर जगह इतना अवेलेबल करवाते हैं। सो क्या हो जाता है ना, पार्लर्स दूर दूर होते हैं तो ट्रैफिक में आप बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, तो अच्छा है ब्लैक में ने यहाँ पे भी इस एरिया में खोला है, वर्सोवा में खोला है। तो आई एम श्योर बहुत सारे जो लोकल्स हैं वो बहुत हैप्पी होंगे ये जान के कि नेक्स्ट डोर ही है लैक में जैसा एक अच्छा सैलून। सो आई थिंक इट्स अ नाइस थिंग। क्या खास लगा लैक्मे में इस शोरूम में, और से क्या डिफरेंट लगा आपको? आई थिंक इट्स वेरी स्पेशियस, और यहाँ के जो जो उन्होंने इंटीरियर्स किए हैं वो बाकी जगह से काफ़ी डिफरेंट है। जैसे आई हैव विजिटेड टू थ्री मोर प्लेसेस, लेकिन यहाँ के इंटीरियर्स बहुत अलग हैं, बहुत ही सूदिंग कामिंग इफेक्ट है। सो आई एम श्योर दिस विल ग्रैब मोर अटेंशन, और यहाँ आना लोग बहुत पसंद करेंगे। इंडस्ट्री में प्लेस की क्या अहमियत है? बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप शायद अच्छे मूड में ना हो या फिर आप बीमार हो, आपको हमेशा सुंदर दिखना पड़ता है। वो प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आई थिंक उसके चलते एक्टर्स हैव टू लुक गुड ऑल द टाइम, एंड आप तो जानते ही हैं कि एवरीवेयर वी हैव टू पुट आर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो जब तक लैक्मे जैसे नाम रहेंगे हम लोग भी सुंदर दिखते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। फाइनली फैंस के लिए फैंस को मैं यही कहूँगी कि अपना ध्यान रखिए, समर्स हैं, डिहाइड्रेट मत होइए, खूब सारा पानी पीजिए, बिकॉज असली सुंदरता अंदर से आती है। ये सब तो है ही, लेकिन असली सुंदरता अगर लाना चाहते हैं तो अच्छे से सोइए, अच्छा अच्छा खाइए, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, थिंक पॉजिटिव। थैंक्स, थैंक यू सो मच। मैम इधर इधर इधर। और किसी को चाहिए अंदर का? अरे चाहिए ना, बाद में। बेटा बन। ओ भाई साहब, अभी मोबाइल तुम्हारा आ गया है। ऐसे कुछ बाल भी बना बाल ऐसे दिखाने के तो कुछ दिन पर भी तो वो चैट है जो कुछ पीछे तो है वो चैट। थैंक यू जी। थैंक यू भाई। हो गया मैं, हो गया। यू नो बैक लिया निकल ले मान ले पर ठीक है। अभी आप लोग इन आपका हुआ हो गया हो गया। चंदन मेरा बैटरी ले, चेंज कर रहा हूँ। बड़ा बड़ा केक कटिंग है चंदन। या लुक मैम, मैम मैम फास्ट कम है ना। Yeah, ma'am, have a look, please. Yes, ready, all of you. Yes, ready. Yes, well, sir, look here. Thank you. Sir, sir. वहीं पे बोलो, यहीं पे सर, उधर गिरेगा, पीछे रखो भाई, पीछे 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 आ जाओ, सब पीछे आ जाओ, सब पीछे आ जाओ, कोई हाल नहीं, रहता नहीं, पीछे आ जाओ, उगड़ उगड़ पीछे रहेगा उसके होल्डर में, बोलो ना, ढक्कन बोलो, ढक्कन ढक्कन में चिपका है। अरे चाकू लाओ नहीं मैं बताता हूँ, इसको निकालो, इसके अंदर से निकालो, ध्यान से।
भाई यार तू क्या कर रहा है, जूम नहीं है तू मानस से सर यहाँ पे कट इट कट इट कट इट अरे मोबाइल मोबाइल कांग्रेचुलेशंस सिंग सिंग कांग्रेचुलेशंस यस रेडी चालू छे थैंक यू जी आप लीजिए सर सर थोड़ा आगे प्लीज सर सर थोड़ा आगे मैडम थोड़ा पीछे प्लीज पीछे एक नंबर नाम कर दिया सर ने सही है थैंक यू हाँ वहाँ पे उसके साथ में ब्रांडिंग नहीं नहीं है ब्रांडिंग पे यस प्लीज काउंटर काउंटर पे हाँ चलो हाँ चलिए इसका भी एक बाइट बाकी है ना ये आइए 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 सर एक पीछे अरे बस कर कल आज पीछे साइड साइड सर यहाँ पर थैंक यू एक बाइट कर रही हूँ एक मिनट यहीं पे कर लेना है आया ना ये लोग भी आएंगे ना सब लोग हाँ जी तभी यहाँ बोला आएगा ना तो व्हाट यू वांट एक्चुअली हाँ क्रॉस हो जाए वही बोलो हाँ जी हाँ साइलेंस प्लीज क्या कहना चाहिए यू नो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा लैक्मे सोलानी कैसा ब्रांड है जिसकी तलाश मुझे लगता है कि हर एरिया को है एंड ऑल थैंक्स टू सुरभि जिन्होंने ये मैजिक इस एरिया में किया एंड आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर ऑल द पीपल लिविंग हियर इन वर्सोवा यारी रोड यू नो दे कैन कम टू दिस प्लेस दे कैन सी द होल चेंज हैपन जैसे मैं इनसे बात कर रहा था कि यू नो कि ये पूरा जो कंसेप्ट है ये बैक स्टेज यू नो जो चेंजेस होते हैं उसके ऊपर है यू नो हम लोग हमेशा ऑन द रैम्प खूबसूरत मॉडल्स को देखते हैं एक्टर्स को देखते हैं बट जो असली जो मैजिक होता है वो बैक स्टेज होता है एंड आई थिंक दिस इज़ द प्लेस वेयर द होल मैजिक इज़ गोइंग टू हैपन बेस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स यहाँ पर रहते हैं एंड हाउ दे आर स्पेशली ट्रेंड यू नो टू एक्चुअली केटर यू एंड आई थिंक मैन यू आर ऑफ प्रोफेशनल्स देर आर नो चांस दैट यू वोंट लुक गुड एंड आई थिंक दैट्स द यूएसपी ऑफ कॉलोनी आई थिंक बहुत कन्वीनियंट है यू नो जब हर चीज़ पास में होती है यहाँ पे पूरे एरियाज में यू हैव ऑल दोज एक्टर्स मॉडल्स यू नो ऑल द पीपल रिलेटेड टू मीडिया हु आर हियर एंड यू जस्ट डोंट हैव टू ट्रैवल अ लॉट नो बॉम्बे ट्रैफिक जस्ट कम आउट ऑफ योर प्लेस एंड जस्ट कम एंड रिलैक्स हियर सो आई थिंक दैट्स बेस्ट पर्सनली इसको कितना केयर करते हैं अपने फेस की मुझे लगता है ज़्यादा करना चाहिए बट फिर भी हमारी प्रोफेशन ऐसे जब तक हम लोग केयर करते हैं चाहे शूटिंग किया सब बराबर हो जाता है अगेन यूर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इट्स इंपॉर्टेंट टू रियली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई थिंक डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना क्या कहना चाहिए लैक्मे यार मेरा एसोसिएशन लैक्मे से थोड़ा पुराना है क्योंकि मैंने फैशन वीक्स भी किए हैं लैक्मे के लिए एंड लैक्मे एज अ ब्रांड इज सो बिग कि आई हैव बीन एक्चुअली अ बिग बिग फैन ऑफ दिस ब्रांड सो व्हेन दे केम अप विद सलोन्स आई स्टिल रिमेंबर एंड इट्स बीन years now and सबसे अच्छी बात लैक्मे की ये है कि वो क्वालिटी जो है वो हमेशा इतनी ही अमेजिंग रही है कि आपको मज़ा आता है जब भी
सलून में आते हैं या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर नाउ ऑब्वियसली द फैशन वीक्स आर अमेजिंग विद लैक्मे सो आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस ब्रांड यार पहले नहीं करता था जब जवान था अब उम्र हो रही है धीरे धीरे तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है एंड एक्चुअली माय मदर जो मेरी माता जी हैं वो बहुत बहुत अच्छी हैं और मेरे एक दोस्त भी हैं वो जो होममेड पैक्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे बनाते हैं तो अब मैंने उनसे सीख सीख के देख देख के थोड़ा करना शुरू किया है सो अब थोड़ा ध्यान देता हूँ पहले नहीं देता था जी एकदम से सी आई थिंक लैक्मे के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं एक्चुअली इनका एक स्ट्रॉबेरी फेस वॉश था जो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था सी इवेंचुअली हम लोग जनरली अगर देखें तो इतना डस्ट इतना पोल्यूशन है वही इतना हार्मफुल होता है आपकी स्किन के लिए लाइट्स तो फिर द सेकेंडरी थिंग सो देयर टोनर्स आर वेरी गुड सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उनकी क्वालिटी जो रही है लैक्मे की प्रोडक्ट्स की हमेशा इतनी अमेजिंग रही है कि दे नेवर डिसअपॉइंट्स यू आपको कोई भी प्रॉब्लम हो दे ऑलवेज देयर एंड दे ऑलवेज हेल्प योर स्किन सो यार मेरे लिए तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग आई ऑल्सो लिव अराउंड और मेरे लिए भी यही था कि कभी कभी सोचना पड़ता था कि कहाँ जाएँ क्या करें अदरवाइज आपको हाँ मैं वाज अबाउट टू से कि मैं हमेशा ऑल द वे बांद्रा जाता था जो कि 3 से 4 घंटे लगते थे सो आई एम रियली हैप्पी इट्स ओपनड इन इन दिस एरिया सो दैट इट्स अमेजिंग फॉर अस ऑल्सो एंड मच इजियर फॉर अस टू जस्ट कम एंड बी हियर सो इट्स अमेजिंग पहली बार शूट किया वहाँ पर तो The way they shoot is completely different. Everything is very natural. हमारा टेलीविजन जो मैं करके गया था 6, 6.5, 7 साल दैट वो हमेशा बस थोड़ा ओवर ड्रामेटिक और सब कुछ था एंड आई लव इट जो भी कुछ दिया है मुझे उस शो ने ही दिया है सो बट येस द डिफरेंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था वहाँ से और यहाँ का एंड नाउ आई एम हैप्पी आई एम बैक सो या थैंक यू तुम बोल दो देखिए देखिए जब से बचपन से बड़े हुए हैं तब से एक ब्रांड मतलब खूबसूरती मतलब लैक्मे समझ में आता था फिर लैक्मे इंडिया फैशन वीक भी आया और भी तमाम चीज़ें आई तो जैसे जैसे लोग और उनकी खूबसूरती बढ़ता गया लैक्मे भी बढ़ता गया व्हाट से बहुत ही अच्छा है इट्स द न्यू इनॉग्रेशन आई थिंक इट्स द न्यू सैलॉन ओपनिंग और मैं पहली बार आ रहा हूँ एक्चुअली मैं कभी लैक्मे में गया नहीं हूँ बट आई व्हाट आई सी इज़ रियली रियली नाइस इनसाइड आई एम श्योर द स्टाफ एंड एवरीवन इज़ रियली हॉस्पिटेबल एंड आई एम श्योर पीपल विल लव इट यार लोगों को अच्छा लगेगा आके अच्छी जगह पर है आस पास यू नो बहुत ही क्राउडेड एरिया है और औरतों को बड़ा पसंद होता है सैलॉन यार 24 घंटे वहीं पर रहती है मुझे लगता है तो दे रियली लव इट आई एम श्योर बताओ भाई देखिए ये एक इट्स अ प्लस पॉइंट मतलब एक एक्टर के लिए क्राफ्ट उसकी एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बट अगर ये चीज़ है जैसे कि हिमांशु इज ब्लेस्ड विद गुड स्किल्स थैंक यू एक्टिंग बीट एक्टिंग और बीट डांस तो अगर साथ में ये और चीज़ होती है तो बहुत अच्छी लगती है तो दैट मेक्स अ कंप्लीट कॉम्बो तो बहुत अच्छा है कि अगर आपको खूबसूरती भी हो और आप अच्छी एक्टिंग भी करते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक प्लस पॉइंट होता है आई थिंक अनुरोध ने बिल्कुल सही कहा विजुअल मीडियम है यार तो जाहिर सी बात है आपको पर्दे पे खूबसूरत इंसान देखना पसंद आता है तो बड़ी सिंपल सी बात है उसमें तो ये सबको ध्यान रखना पड़ता है बट मुझे लगता है कि ओवर ध्यान नहीं देना चाहिए यार जो चीज़ सही है ऊपर वाले ने सही दी है उसको बस थोड़ा सा पॉलिश कर सकते हो निखार सकते हो लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर यार फॉर्चुनेटली मुझे लगता है अपने आप से ऊपर उठ के भी चीज़ें देख लें इंसान तो ज़्यादा बेहतर हो जाती है लाइफ है ना देखिए क्या है कि आजकल क्या है कि जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि अलग अलग सॉफ्टवेयर अपडेट होते जाते हैं ऐसे हर चीज़ आजकल अपडेट होती जा रही है तो चाहे वो सैलून हो चाहे कुछ शोरूम्स हो चाहे कुछ ब्रांड्स हो सब में कुछ ना कुछ एक खासियत और कुछ खास बात आती जा रही है तो अच्छा है और सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जब हम लोग शूटिंग पर भी जाते हैं तो बहुत डिपेंड करता है कि आपके मेकअप आर्टिस्ट कैसे हैं तो वो जो टेक्नीशियंस हैं वो कैसे हैं तो यहाँ पर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं जो लोग स्टाइलिस्ट हैं वो कैसे हैं तो वो बहुत अच्छे हैं तो वो एक प्लस पॉइंट होता है आई थिंक हाथ की कारीगरी होती है यार वो इट्स एज सिंपल एज दैट इवन इफ यू नो समबडी इज़ अ गुड स्टाइलिस्ट तो मैंने देखा है कि अगर एक इंसान एक अच्छा स्टाइलिस्ट है यू नो तो लोग यहाँ से अंधेरी से चर्नी रोड तक चले जाएंगे उसके लिए इट्स एज सिंपल एज दैट ना तो फिर वो हाथ की कारीगरी है आपके हाथ में कितनी शफा है या आपके हाथ में क्या मैजिक है इफ़ यू कैन क्रिएट दैट आप किसी भी जगह पर किसी भी देश के किसी भी कोने में आप किसी भी गली नुक्कड़ पर भी खोल सकते हो और लोग वहाँ पर आएंगे क्या मैम के साथ आपका पाने का इरादा है आपका? मैम यार लेमन सोलन मेरे घर के नीचे है वो छोड़ती नहीं है यार उनको यहाँ तक आएंगे नहीं मुझे मालूम है मैं झूठ नहीं बोलूँगा घर के नीचे वो स्टेप डाउन करते हो नीचे लेमन सोलन है थैंक यू सो मच सर थैंक यू
So I love the interiors. I was just telling her that my association with Lakme has been like a bit long because I used to work for Lakme Fashion. We all have used Lakme products. So yes. The brand itself is so big. So any association with this brand is amazing. And we are lucky that now we have a place where we live, like close to our house. So we can come here whenever we want. Yeah, so that's amazing. So thank you for getting Lakme. So how do you feel? Unisex salon, so you can easily come anywhere. I'm coming. So how do you feel? I think it's fantastic. I'm entering for the first time here. I love the interiors, as you said. I think absolutely stylish. And there's some kind of a very interesting pattern to it, which I'm very, very fascinated by. And this man, who is very stylish himself, has said it, so I don't think there's anything wrong with that. And I think all the best to them. And many congratulations. It's very well made and very stylish. And the technicians work are the most important, so they are very cordial. So it's good to be here. Thank you so much. And congratulations. Thank you. Thank you all the very best. Congratulations.